फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषभ को बहुत ढेर सारी गुड विशेस हैं उसकी हेल्थ के लिए और उसकी लाइफ के लिए. ही इज़ अ लकी बॉय जो बहुत ही अच्छे घर में आया है और उसके मॉम डैड बहुत अच्छे हैं. एंड उसके डैड मेरे को एक्टर रहे हमेशा. और आई थिंक जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल्म में हम लोग साथ में काफ़ी सारी फिल्में की हैं. और एक कोइंसिडेंट और भी रहा है हम दोनों के साथ में कि जस्ट 10 डेज़ बिफोर मेरी डॉटर आई एंड 10 डेज़ आफ्टर ऋषभ आया. तो सेम मंथ में दो सेलिब्रेशन होते हैं, एक मेरी बेटी का और एक ऋषभ का. तो गॉड ब्लेस यू ऋषभ और हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और सारी खुशियाँ भगवान आप. सी सो क्यूट एक्चुअली और वो बहुत मानती है मुझे और वो कहीं भी मुझे देखती है तो रिकोगनाइज करती हूँ. और जब भी मुझसे मिलती है तो सी यूज़ टू से कि आपको वहाँ देखा था आपने मुझे नहीं देखा, आपको यहाँ देखे था आपका वो तिल का है, वो ऐसा मुझे बोलती रहती. मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है कि वो मुझे इतना मानती है. आई लव टू वेयर लाइक इफ आई एम गोइंग फॉर एनी लाइक ऐसे फैमिली फंक्शंस में देन आई यूज टू वेयर साड़ी एंड ऑब्वियसली तनिष्क इज़ माई फेवरेट. या कविता सुनीता शी डू डिज़ाइन फॉर मी एंड आई लव टू वेयर लाइक गोल्ड तनिष्क एंड यूनिक कलेक्शन ऑफ तनिष्क. या रिसेंटली रिलीज़ हुई है मेरी जिगर एंड जो बहुत ही अच्छी जा रही है, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है. एंड और भी फिल्में लाइनअप हैं, फ्लोर पे भी हैं और रिलीजिंग पे भी हैं. फिंगर क्रॉस्ड है, लेट्स सी क्या होता है. जब पता चला सोशल मीडिया के ही थ्रू पता चला और बहुत अफसोस हुआ. हमेशा विमेंस पावर की बात करते हैं और हम लोग इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि कोई हमें दबा सके या डरा सके या किसी के डर और उससे हम अपने आप को सुसाइड कर लें. इट्स नॉट अ गुड थिंग. बट हो सकता है कि उसको मेंटली प्रेशर इतना हो और उसको काफ़ी हैरेसमेंट हो या इतना डिप्रेशन में चली गई हो जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें. और एक रिक्वेस्ट है एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्ट्रेस कि लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसे सिचुएशन हो जस्ट कॉल योर पेरेंट्स, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है कुछ बनने के लिए, ख़त्म होने के लिए नहीं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.